विशेष प्रकार के त्रिभुज, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। रचना निर्मेय 3, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार, आधार का एक कोण और शेष दो भुजाओं का योग दिया है। उदाहरण 3, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें आधार QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ धन PR बराबर 7.5 सेंटीमीटर एवं कोण PQR बराबर 60 अंश। विशेष प्रकार के त्रिभुज, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। रचना निर्मेय 3, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार, आधार का एक कोण और शेष दो भुजाओं को योग दिया है। हम उदाहरण 3 हल करते हैं। उदाहरण 3 में हमें दिया हुआ है कि ऐसे त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें आधार QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ धन PR बराबर 7.5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 अंश। ये जानकारियां हमें दी हुई है और इन जानकारियों के आधार पर हमें अभीष्ट त्रिभुज की रचना करनी है। सबसे पहले हम आधार QR की रचना करेंगे जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चूंकि ये सेंटीमीटर की इकाई बहुत छोटी है, इसलिए हम 4 दूसरे यूनिट लेते हैं और उसके आधार पर रचना करते हैं। ये देखिए, हम जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसके जगह पर 4 इकाई लेते हैं और उसके अनुसार रचना करते हैं। हम यहाँ तो शुरू करते हैं और ये 4 इकाइयाँ लेते हैं और इसे नाम दें भुजा QR। इसकी लंबाई है 4 इकाई। अब दूसरी चीज है, कोण PQR 60 अंश के बराबर है तो हम Q से एक किरण खींचते हैं इस तरह कि वहां पर कोण 60 अंश का बने और उसके लिए हम चांदे को यहां रखते हैं। जो 0-0 को मिलाने वाली रेखा है उसका मध्य बिंदु हम Q पर रखें और 60 अंश का पैमाना देखें। हम देखिए नीचे वाले पैमाने को पढ़ेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ हम निशान लगाएं और यहाँ से एक किरण खींच लें। ये किरण है, मान ले किरण QX है और ये जो हमारा कोण हमें मिला है वो 60 अंश के बराबर है। इसे हम यहां लिख लेते हैं, ये कोण 60 अंश का बना। अब चूंकि PQ और QR, यानी अगर P हमको यहां कोई बिंदु मिलता है तो P से Q की दूरी और P से R की दूरी का योगफल 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि बिंदु P हमारे पास उपस्थित होगा तब हम ये काम कर पाएंगे कि हम बिंदु P का निर्धारण करें और फिर त्रिभुज बनाएं। तो उस P की तलाश हमें करनी होगी, आखिर P होगा कहाँ पर। इसके लिए हम जो लंबाई हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर की, उस लंबाई को यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो फिर से उसी इकाई का उपयोग करेंगे जिस इकाई का उपयोग करके हमने QR की रचना की थी और 7.5 इकाई पर हम एक निशान लगाते हैं। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 7.5। ये जो बिंदु दिख रहा है वो 7.5 इकाई है Q से, इसे हम नाम दे दें S। और इस बिंदु S को हम R से मिला दें, ये हमारी रचना होगी। इसे हम इस कटी हुई लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे त्रिभुज का अभीष्ट त्रिभुज का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन बिंदु P की तलाश हमें है, उसको पाने के लिए हमने ये रचना की है। अब उसके बाद इस SR का हम लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने का उद्देश्य है कि हम उस बिंदु के पास पहुंच सकें जिसे हम P के नाम से
पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम इस एस आर की कुल लंबाई का आधे से अधिक ले और उस त्रिज्या के चाप के आधार पर हम यहाँ एक निशान लगाएं और वैसी निशान इधर भी लगा दें और उसी चाप का उपयोग करते हुए आर से भी हम इस तरह का निशान लगाएं। और इन दोनों बिंदुओं को हम बहुत सावधानी से मिला दें। ये हमने इनको मिलाया, आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन यहां से गुजर रही है वो QS को भी काट रही है और SR को भी काट रही है। जहां पर ये लाइन इस QS को काटती है उसे आप बिंदु P नाम दे दें। एक रचना हमें और करनी होगी इस बात को समझने के लिए कि P ही हमारा अभीष्ट बिंदु है जो त्रिभुज की रचना करने में हमारी मदद करेगा। हम P और R को भी मिलाएं तो PR को मिलाने पर हमें पता चलेगा कि जो हम रचना करना चाहते थे उसके लिए बिंदु P यही होगा जहां पर हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमने P और R को मिलाया। अब आप देख सकते हैं कि ऐसी रचना करने पर हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं। मान लीजिए इसे हम नाम दे दें टी का, तो त्रिभुज पीएसटी और त्रिभुज पीआरटी। इन दोनों त्रिभुजों में चूंकि यदि हम इसको एक रेखा एल का नाम दें अगर, तो रेखा एल जो है वो एस आर का लंबार्धक है, यानी ये जो रेखा है वो पूरे एस आर को दो बराबर भागों में बांटती, यानी एस टी बराबर टी आर है और ये कोण समकोण है। लंबार्धक खींचने से हमें यह फायदा हुआ कि हम एक ऐसी रेखा की रचना कर रहे हैं जो इस रेखाखंड एस आर को दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है और उस पर लंब भी निर्मित कर रहा है। ऐसा करने से आप देखते हैं कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी एस टी में, एक भुजा एस टी दूसरे त्रिभुज की भुजा टी आर के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं जो 90-90 अंश के हैं और पीटी दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। और ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः दोनों दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। और आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह पाते हैं। तो हम इस बात को लिख लें यहां पर कि त्रिभुज पी एस टी और त्रिभुज पीआरटी में एस टी बराबर टी आर, पीटी दोनों में उभयनिष्ठ है, पीटी बराबर पीटी दोनों त्रिभुजों में है और कोण टी पर बनने वाले दोनों तरफ कोण जो पीटीआर है, कोण पी टी आर बराबर कोण पी टी एस, आपस में बराबर है क्योंकि यह समकोण है इसके लंबार्धक होने की वजह से। ऐसी परिस्थिति में ये जो तीन शर्तें हैं वो बताती हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर टी के, और सर्वांग सम होने की दशा में आप संगत भुजाओं को बराबर कह सकते हैं, यानी पी एस बराबर पी आर कह सकते हैं। यह परिणाम हमें मिला, पी एस बराबर पी आर। अब चूंकि आपने यहां पर जो क्यू एस की रचना की थी वो 7.5 सेंटीमीटर की थी, 7.5 इकाइयों की थी, तो ये पूरी जो लंबाई है वो 7.5 है और इसे आप क्यू पी प्लस पी एस लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे क्यू पी प्लस पी एस बराबर 7.5 इकाइयां हैं और चूंकि पी एस
पी आर के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं क्यू पी प्लस पी आर बराबर भी 7.5 इकाई। और यही आपको दी हुई शर्त थी कि दो भुजाओं का योग 7.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमें, हमने उसे इकाई के रूप में लिया एक अलग इकाई के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि क्यू पी और पी आर का योगफल 7.5 है जो हमें दिया हुआ था। तो इस तरह से हमने एक ऐसे बिंदु पी को प्राप्त किया जो क्यू से उसकी दूरी और आर से उसकी दूरी का योगफल दिए हुए माप के बराबर है। और जो कोण यहाँ पर आपने निर्मित किया था वो इस माप के आधार पर किया था 60 अंश का, और आधार क्यू आर को आपने 4 इकाई के बराबर लिया था। तो आपने एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें आधार दिया हुआ है, आधार पर बना हुआ एक कोण दिया हुआ है और शेष दो भुजाओं का योगफल दिया हुआ है। तो बच्चों ये वो रचना थी जिसे आप कह सकते थे कि यदि हमें किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, एक कोण और शेष दो भुजाओं का योगफल दिया हो तो उसकी रचना करनी है। तो ये अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी रचना आपने कर ली। करके देखें, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 अंश एवं एबी धन एसी बराबर 11 सेंटीमीटर।